नमस्कार प्यारे बच्चों, ज्ञान दीक्षा के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अपने अपने घरों में सकुशल एवं सुरक्षित होंगे। तो बताइए बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बहुत अच्छा है ना? तो पढ़ाई के साथ साथ आप खेल भी बहुत अच्छे अच्छे खेल रहे होंगे। तो बताइए बच्चों, घर पर रहकर आप कौन कौन से खेल खेलते हो? चेस, कैरम्स, लूडो, स्नेक एंड लैडर, और कुछ खेल खेलते हो? डम शरार से खेलते हो आप? यह भी बहुत अच्छा खेल है, आप अपने भाई बहन और परिवार के साथ इसको खेल सकते हो, है ना? तो बताइए बच्चों, क्या होता है इस खेल में? एक व्यक्ति को अपना मुंह बंद रखना होता है और अपने हाथों के संकेतों और मुख के हाव भाव से अपनी बात को दूसरों को समझाना होता है ना बच्चों? तो बच्चों, कभी आपने यह सोचा है कि वास्तविक जीवन में भी अगर हम हाथों के इशारों से या संकेतों से बात करते तो कैसा होता? यानी कोई भाषा नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ खामोशी और चारों तरफ सन्नाटा होता तो कैसा होता? कभी सोचा है आपने? क्या होता यदि शब्द न होते? क्या होता यदि शब्द न होते? मूक बने इस धरती पर हम कैसे बातें करते? कैसे अपने अरमानों को धागे में फिरोते? कैसे अपने अनुभवों को दूजों से साझा करते? जी हाँ, कितनी विचित्र परिस्थिति होती अगर शब्द न होते। ऐसी परिस्थिति को सोच कर भी डर लगता है ना बच्चों? तो बच्चों, इसी शब्दों के संदर्भ में किसी एक कवि ने यूं कहा है, विचारों की अभिव्यक्ति अभिव्यक्त करने की शक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति अभिव्यक्त करने की शक्ति, सब कुछ है इन शब्दों में और इसके ताने बाने में। चेहरे के पटल पर उभरे अभोले शब्द तो कभी शब्दों को जबा मिल जाती है या कभी जबा को शब्द नहीं मिल पाते। थक से गए हैं ये चार पांच माने ढोते ढोते, कभी कोई समझता है इन्हें तो कभी नहीं, कभी कोई सुनता है इन्हें तो कभी नहीं। कितने भाव है इन शब्दों में, अभाव तो बस इन्हें समझने वालों का है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि सभी भाषाओं में बहुत सारे शब्द होते हैं, हम केवल कुछ ही शब्दों का उपयोग लेते हैं। ऐसा ना करके हमें बहुत सारे शब्दों का, यानी अधिक से अधिक शब्दों को सीखना चाहिए और उनका प्रयोग अपनी भाषा में करते रहना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज हम हिंदी के शब्दों को जानेंगे। शब्द क्या है? सिर्फ मुंह से निकलने वाली ध्वनि या कुछ वर्णों का समूह? आइए देखते हैं। मैं यहां पर कुछ शब्द लिख रही हूं, जैसे का, ला और मा। मैं यहां पर तीन वर्णों को लिखी हूं। इन तीन वर्णों से हम कुछ शब्द बनाएंगे, कलम, कमल, मकल, मलक और लखम। इन तीन वर्णों से यहाँ पर पांच शब्द बने हैं। इन पांच शब्दों में कमल का अर्थ है और कलम का अर्थ है और कमल का भी अर्थ है। इन तीन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, तो क्या इन्हें शब्द कहेंगे? नहीं, शब्द तो केवल वे हैं जिनका कोई अर्थ निकलता हो। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि
एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। यहाँ पर चित्र में देखिए बच्चा, परिभाषा लिखा हुआ है, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्द के कुछ उदाहरण यहाँ पे लिखे हैं, पेड़, पक्षी, फल, जानवर, जंगल, संसार, मनुष्य, भगवान, प्रार्थना, भोजन, जल, तस्वीर, कंप्यूटर, सिनेमा आदि कुछ शब्द है। हमने शब्द की परिभाषा जान ली है, अब हम शब्द के भेद को जानेंगे। शब्द के भेद चार प्रकार होते हैं। शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर दूसरा है, बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर। इस चित्र में देखिए, उत्पत्ति के आधार पर, पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति यानी जन्म या उत्पादन, जहाँ से शब्द जन्म लेते हैं उसी को हम उत्पत्ति का आधार कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं, वे हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। यहाँ पर हम पहले तत्सम शब्द को देखेंगे। तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान। उसके समान यानी संस्कृत के समान। संस्कृत के समान क्यों? संस्कृत के समान इसलिए कि भारत में बहुत सी भाषाओं की मूल भाषा संस्कृत है और हमारी हिंदी भी संस्कृत से उत्पन्न है, इसलिए आज भी हमारे हिंदी में संस्कृत के कुछ शब्द उपलब्ध है। जैसे तत्सम शब्दों में ग्राम, मात्र, भ्रात्र, आम्र और शत और सहस्त्र जैसे शब्द। इन शब्दों को हिंदी में भी जो के त्यो यानी संस्कृत के बराबर ही प्रयोग किया जाता है। अगला है तद्भव शब्द। तद्भव यानी उससे उत्पन्न। संस्कृत और प्राकृत भाषाओं से कुछ शब्द विकृत होकर हिंदी में आए हैं, उन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द में हम देखेंगे तद्भव शब्द तद्भव शब्द में संस्कृत और प्राकृत भाषाओं से कुछ शब्द विकृत होकर आए हैं। जैसे संस्कृत में पुष्प शब्द है, उसका हिंदी में आते आते फूल बन जाता है। उसी प्रकार वत्स शब्द संस्कृत का जो है उसका बच्चा कहकर हिंदी में बन जाता है। उसी प्रकार कुछ तद्भव शब्द हिंदी में उपलब्ध है। अगला है देशज शब्द। देशज शब्द शब्दों का जन्म का कोई पता नहीं चलता, मगर ये हमारे देश में बोल चाल के कारण बने हुए शब्द है। उदाहरण के लिए चिड़िया, तेंदुआ, ठुमरी, पगड़ी, खिचड़ी जैसे शब्द हमारे देश में बने हैं, इसलिए इन शब्दों को देशी शब्द भी कहते हैं।
अगला है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द विदेशी भाषाओं से आए शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत पर बहुत से विदेशी लोगों ने आक्रमण किया था और यहाँ पर अपने राज्य भी स्थापित करे। उसके परिणाम स्वरूप ही आज हिंदी में बहुत से भाषाओं के शब्द उपलब्ध हैं, जैसे अरबी भाषा के शब्द, तुर्की भाषा के शब्द, फारसी भाषा के शब्द, पुर्तगाली भाषा के शब्द और अंग्रेजी भाषा के शब्द। अब हम कुछ अरबी भाषा और तुर्की भाषा भाषा के शब्दों के बारे में जानेंगे। अरबी भाषा के शब्द जैसे गरीब, दवा, मदद जैसे शब्द अरबी भाषा से आए हैं। और तुर्की भाषा के शब्द तलाश, लाश, बेगम जैसे शब्द तुर्की भाषाओं से आए हुए शब्द हैं। उसी प्रकार फारसी भाषा के शब्द हैं दरबार, दंगल जैसे शब्द। उसी प्रकार पुर्तगाली भाषा से आए हुए शब्द हैं तौलिया, गोभी, काजू, अलमारी जैसे शब्द। अंग्रेजी भाषा के शब्दों को तो हम जानते ही हैं, क्योंकि हम रोज हमारे जीवन में उनका उपयोग करते ही रहते हैं। तो बच्चों, इन शब्दों को देखकर क्या लगता है? इन शब्दों को देखकर हमारा दिल यह मानने को नहीं करता कि ये विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, क्योंकि ये सभी शब्द हमारे हिंदी में बहुत ही अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं। शब्द भेद में अगला है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द भेद तीन प्रकार के हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। पहले हम रूढ़ शब्द के बारे में जानेंगे। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द हैं जो जिनके खंड सार्थक नहीं होते, जैसे कान, नाक, पर जैसे शब्द। इन शब्दों का दो भागों में विभाजित करने से किसी एक भाग का भी कोई अर्थ नहीं मिलता, इसलिए इनको रूढ़ शब्द कहते हैं। अगला है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं। उदाहरण के लिए यौगिक शब्द के उदाहरण है पीलापन, पीलापन, दूध वाला। इन शब्दों को खंडों में विभाजन करने से दोनों खंडों का भी एक एक अलग अर्थ मिलता है, इसलिए यह यौगिक शब्द है। योगरूढ़ शब्द अगला है। योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द यौगिक तो होते हैं पर अर्थ को देखने से इनके सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को ये प्रकट करते हैं, जैसे योगरूढ़ शब्द लंबोदर, लंबोदर शब्द, पंकज शब्द। लंबोदर शब्द का अर्थ होता है, सामान्य अर्थ होता है लंबा उदर वाला, और इसको इसके विशेष अर्थ को देखने से हमें पता चलता है कि ये गणेश जी का एक नाम है। उसी प्रकार पंकज शब्द का सामान्य अर्थ है
पंख में उगने वाला यानी कीचड़ में उगने वाला, यानी इसका विशेष अर्थ है कमल का फूल। इस तरह से योगरूढ़ शब्द बनते हैं। अगला है शब्द भेद में, अगला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, सार्थक का अर्थ होता है अर्ध के साथ। जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है उन शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। हम हमारी कक्षाओं की पुस्तकों में पढ़ते हैं ना, एकार्धी शब्द, भिन्नार्धी शब्द, पर्यायवाची शब्द जैसे शब्द, ये सभी शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। अगला है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द का अर्थ होता है अर्थ से रहित, यानी जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्दों में हम देखेंगे चाय वाय, पानी वानी, रोटी वोटी। इन शब्दों को अक्सर हम देखते हैं कि इनका प्रयोग हिंदी भाषा में होते रहता है। यहाँ पर चाय वाय, पानी वानी, रोटी वोटी, इन शब्दों में इस तरफ के शब्दों का, चाय पानी रोटी शब्दों का अर्थ तो है, मगर वाय वानी वोटी शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। इन शब्दों को इसलिए उपयोग किया जाता है कि भाषा में रोचकता को ला सके। शब्द भेद में अगला है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक, काल और पुरुष के कारण परिवर्तन देखने को मिलता है उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द में चार भेद होते हैं, विकारी शब्दों में चार भेद होते हैं, वे हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। पहले हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। चित्र में देखिए संज्ञा की परिभाषा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर चित्र में देखिए, चित्र में यहाँ पर एक व्यक्ति का है, एक वस्तु का है, एक स्थान का है और एक प्राणी का चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। संज्ञा में पांच भेद होते हैं। संज्ञा के पांच भेद हैं, वह है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दिल्ली, गंगा नदी, राधा, गणित की अध्यापिका, भाग, साइकिल, एवरेस्ट शिखर, सचिन, जवाहरलाल नेहरू। इन सभी शब्दों में दिल्ली, गंगा नदी, राधा ये किसी विशेष नदी या स्थान और एक लड़की का नाम है जो उन्हीं के लिए है। हर एक को इसी नाम से नहीं बुलाया जा सकता, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगला है जातिवाचक संज्ञा। किसी जाति के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, शहर, अध्यापिका, लड़की, जंगल, पेड़ जैसे शब्द। यहाँ पर उदाहरणों को ध्यान से देखने से हमें यह पता चलता है कि ये सभी किसी समस्त जाति को सूचित करते हैं। जैसे नदी, नदी शब्द किसी एक नदी के लिए नहीं बना है, समस्त नदियों को हम नदी ही कहते हैं। उसी प्रकार पेड़ शब्द, पेड़ शब्द को अगर देखने से सभी पेड़ पेड़ शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। संज्ञा में अगला है समूहवाचक संज्ञा।
ये संज्ञा शब्द किसी समूह के नाम का बोध कराते हैं, जैसे परिवार, भीड़, कक्षा, झुंड, सेना आदि शब्द। समूह का अर्थ होता है, समूह का अर्थ व्यक्ति समूह और वस्तु समूह दोनों से होता है। समूह का अर्थ व्यक्ति समूह और वस्तु समूह दोनों से होता है। जैसे व्यक्ति समूह में भीड़, संगठन, झुंड ये सब शब्द आते हैं, तो वस्तु समूह में कुंज, पुंज, राशि और गुच्छा जैसे शब्द आते हैं। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी तरल पदार्थ या धातु के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे जल, दूध, गेहूं, सोना, तेल, कोयला जैसे शब्द। द्रव्यवाचक संज्ञा में इन शब्दों का या इन पदार्थों का नापतोल किया जा सकता है, मगर इनको गिना नहीं जा सकता। यानी जिन शब्दों का नापतोल करते हैं उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेते हैं, जिनको गिना जाता है उनको द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं लेते हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा। ये शब्द मन के भाव तथा अवस्था और दशाओं का बोध कराते हैं, जैसे प्रसन्नता, क्रोध, दया, करुणा, जवानी, बचपन, अमीरी, गरीबी। इन शब्दों में प्रसन्नता, क्रोध, दया, करुणा शब्द मन के भावों के लिए बने हैं, तो अमीरी, गरीबी दशाएं हैं, जवानी, बचपन मानव जीवन की अवस्थाएं हैं। शब्द भेदों में अगला है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, आप शब्द। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, वे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इनमें पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम को देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम उन सर्वनाम शब्दों को कहा जाता है जिनके द्वारा वक्ता या बोलने वाला अपने आप को या अपनी बात को सुनने वालों को या किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रयोग करता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, वे है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष उन शब्दों को कहते हैं जिनको वक्ता अपने आप के लिए प्रयोग करता है, जैसे मैं और हम शब्द। मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष शब्दों को अपनी बात को सुनने वालों के लिए वक्ता प्रयोग करता है, जैसे तू, तुम, आप जैसे शब्द। अगला है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष को वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के संबंध में प्रयोग करता है, जैसे यह, ये, वह, वो जैसे शब्द। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में निश्चितता को प्रकट करते हैं, जैसे यह मेरी पुस्तक है। इस वाक्य में यह मेरी पुस्तक यानी कहने वालों को ये पता है कि यह उसकी पुस्तक है, इस तरह से निश्चितता को प्रकट करते हैं। उसी प्रकार एक और उदाहरण है, यह बिल्ली है, कुत्ता नहीं। यानी कहने वाले को ये मालूम है कि वह जानवर जो है वह बिल्ली है, कुत्ता नहीं है, इसकी जानकारी है, इसलिए यहाँ पर निश्चितता का प्रकट हो रहा है। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो अनिश्चितता को प्रकट करते हैं, इसका अर्थ है वहाँ पर निश्चितता नहीं है। निश्चितता नहीं होने से वहाँ पर अनिश्चितता आई है, जैसे बाहर खोई खड़ा है, माँ तैले में कुछ लाई है। कहने वाले को ये पता है कि माँ बाहर गई है और थैले को साथ में लेकर गई है, मगर आते समय माँ ने उस थैले में क्या लाया, इस
की जानकारी कहने वाले को नहीं है, तब वहां पर अनिश्चितता प्रकट होती है। इसीलिए माँ थैले में कुछ लाई है, कोई और कुछ शब्दों को अनिश्चितता के लिए उपयोग करते हैं। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कौन खड़ा है, तुम कहाँ रहते हो, आप यहाँ कब आए, तुमने किसकी मदद की। यहाँ पर चित्र में जो रेखांकित शब्द है वह सब प्रश्न है, प्रश्न पूछने के लिए बनाए गए शब्द है। कौन, कहाँ, कब, किसकी, जैसे शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत लेते हैं। अगला भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम शब्द वे शब्द है जो वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इन वाक्यों में देखिए, जैसी, जैसा और जिसकी शब्द वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ रहे हैं। यहाँ पर चित्र में देखिए, आपको अच्छी तरह से इन शब्दों को शब्दों का अर्थ मिलेगा। चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक आदमी अपने घर के कचरे को किसी दूसरे घर में, बाजू के घर में डाल रहा है ना बच्चों? तो वहाँ पीछे की तरफ क्या हो रहा है, बाजू के घर में जो कचरा है उस कचरे को इसके घर में डाला जा रहा है। यानी जैसी करनी वैसी भरनी, तुम जैसा करते हो तुम्हारे साथ वैसा ही होता है, इसका अर्थ है। अगला है निजवाचक सर्वनाम। जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने आप के लिए करता है, उन शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने घर की सफाई खुद करता हूँ, मैंने अभ्यास कार्य स्वयं कर लिया, वह अपने आप को होशियार समझता है। इन वाक्यों में खुद, स्वयं, अपने आप जैसे शब्द वक्ता अपने आप के लिए प्रयोग करता है, इन शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। विकारी शब्दों के अंतर्गत अगला भेद है क्रिया। क्रिया उन शब्दों को कहा जाता है जिनसे कार्य के होने या करने का बोध होता है, पता चलता है, ऐसे शब्दों को क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, ये सभी क्रियाएं हैं, चित्र में देख रहे हो ना बच्चों, ये सारे क्रियाएं हैं, जैसे खाना, पढ़ना, बैठना, खेलना, कूदना, दौड़ना, गाना, हंसना, सोना आदि शब्द। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहले हम सकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। सकर्मक क्रिया, वाक्य में जब कर्म होता है और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक क्रिया कहलाता है। क्रिया यानी कार्य करने का प्रभाव कर्म पर ही पड़ता है, तब वह सकर्मक क्रिया कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, रोहित सेब खाता है, इस वाक्य में खाता है क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ काम हो रहा है। क्या काम है, वह खाना खा रहा है, इसलिए ये एक काम है यानी क्रिया है। रोहित क्या खा रहा है, सेब को खा रहा है, मगर खाने का प्रभाव जो है वह रोहित पर ना पड़ के यहाँ पर सेब पर पड़ रहा है। क्यों सेब पर पड़ रहा है,
सेब पर इसलिए पड़ रहा है कि सेब कम हो रहा है, यानी सेब की मात्रा कम हो रही है, इसलिए क्रिया का प्रभाव जो है वह कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्म है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। कुछ और उदाहरण देखिए। मदन गीत गाता है, राम पत्र पढ़ता है, माँ रोटी बनाती है, यह सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। अगला है अकर्मक क्रिया। वाक्य में जब कर्म नहीं होता है और क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में जब कर्म होता है, अकर्मक क्रिया, वाक्य में जब कर्म नहीं होता है, कर्म नहीं है इसलिए वह अकर्मक क्रिया है। वाक्य में जब कर्म नहीं होता और क्रिया के कार्य करने का प्रभाव जो है वह कर्ता पर पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, लड़की हंसती है, हंसना यहाँ पर क्रिया है, क्रिया के काम करने का प्रभाव जो है वह लड़की पर पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर कर्ता नहीं, कर्म नहीं है, यहाँ पर कर्म नहीं है इसलिए ये अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसके कुछ और उदाहरण है। मोर नाचता है, हम सो रहे हैं, घोड़ा दौड़ता है। जब सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर का पता नहीं चल रहा होता है तब हमें क्या करना चाहिए कि क्रिया के साथ क्या प्रश्न को लगाना चाहिए। जब हम क्रिया के साथ क्या प्रश्न को लगाएंगे तो उसका उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया है, अगर उत्तर की प्राप्ति नहीं होती तो वह अकर्मक क्रिया है। शब्द भेद विकारी शब्दों में अगला है विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे लाल गुलाब, नीला आकाश। इन शब्दों, इन वाक्यों में लाल और नीला संज्ञा की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये विशेषण शब्द कहलाते हैं। विशेषण के चार प्रकार होते हैं, वे हैं गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। पहले हम गुणवाचक विशेषण को देखेंगे। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध कराए, ऐसे शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, सफेद घोड़ा, पश्चिम दिशा, षटकोण। इन चित्रों में सफेद घोड़ा जो है वह रंग का बोध करा रहा है और पश्चिम दिशा दिशा का बोध करा रहा है, षटकोण जो है वह आकार का बोध कराता है। अगला है संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द व्यक्ति या वस्तु की संख्या को बताए उन शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर चित्र में देखिए, चार बच्चे हैं और बहुत सारे पक्षी हैं। पहले चित्र में चार बच्चे, चार यानी यहाँ पर निश्चितता का प्रकट हो रहा है, चार बच्चे यानी निश्चितता का प्रकट होना। और दूसरे चित्र में बहुत सारे पक्षी हैं, बहुत सारे यानी यहाँ पर निश्चितता नहीं है इसलिए ये अनिश्चितता का प्रकट कर रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण में निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण होते हैं। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, परिमाण के नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर नाप तोल की बात हो रही है। किसी वस्तु की नाप तोल बताने वाले विशेषण शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 2 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा और प्रथम, द्वितीय, तृतीय जैसे शब्द। और इनमें हम 40 किलोमीटर की दूरी, 300 ग्राम इलायची जैसे शब्दों को भी हम यहाँ पर ले सकते हैं।
अगला है सर्वनामिक विशेषण। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह दिखाई देते हैं या विशेषण की तरह से काम करते हैं, उन सर्वनाम शब्दों को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। और यहाँ पर एक विशेषता ये है कि यहाँ पर सर्वनाम जो है वह संज्ञा के पहले आता है। यही निश्चयवाचक सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत अंतर को बताता है। यह पुस्तक है, कुछ कपड़े पड़े हैं, कौन व्यक्ति आदि शब्द सर्वनामिक विशेषण अंतर्गत आते हैं। यह पुस्तक, यहाँ पर यह शब्द जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम से लिया गया है और कुछ कपड़े यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम से लिया गया है। कौन व्यक्ति यानी प्रश्न पूछना, प्रश्नवाचक सर्वनाम से यह वाक्य यहाँ पर आया है। अगला है अभिकारी शब्द। अभिकारी शब्द शब्द भेद में बना प्रयोग के आधार पर अभिकारी शब्दों के बारे में अब हम जानेंगे। अभिकारी शब्द का अर्थ होता है अविकार, विकार का शब्द। हमने विकार का शब्द क्या जाना, लिंग वचन कारक काल और पुरुष के कारण जिन शब्दों में विकार या परिवर्तन होता है उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी का उसका उल्टा ही अर्थ होता है। जैसे लिंग वचन कारक काल पुरुष के कारण जिन शब्दों में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्दों के चार भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। पहले हम क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के चार प्रकार होते हैं। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, उसके बाद स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में उदाहरण के लिए दादी धीरे धीरे चलती है, यहाँ पर धीरे धीरे शब्द जो है वह रीति को बता रहा है यानी ढंग को बता रहा है। इसीलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण वे विशेषण शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति और वस्तु की प्रकट होने की ढंग होने का ढंग या रीति को बताते हैं, उन्हीं को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और इन शब्दों के कुछ और उदाहरण है जल्दी जल्दी और हाथों हाथ जैसे शब्दों को हम यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरणों में ले सकते हैं। अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने का स्थान के बारे में बताते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ वहाँ मध्य को सीधे चलो, यहाँ पर इस वाक्य में यहाँ वहाँ शब्द जो है वह स्थान के लिए सूचित किया गया है। उसी प्रकार स्थान के लिए कुछ और भी है, जैसे इधर उधर, आगे पीछे, दाएं बाएं जैसे शब्दों को हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत ले सकते हैं। अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके उदाहरण में देखिए, रामू कल सुबह आएगा और नाना जी प्रतिदिन योग करते हैं। इन दोनों उदाहरणों में कल और प्रतिदिन शब्द जो है वह काल को सूचित कर रहे हैं, यानी कालवाचक क्रिया विशेषण वो है जो किसी क्रिया के होने का समय को बताते हैं।
समझ गए ना बच्चों। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जो क्रिया की मात्रा या परिमाण को बताते हैं, जैसे सब्जी में नमक थोड़ा डालना और चाय में चीनी ज्यादा चाहिए। इन दोनों उदाहरणों में कम या थोड़ा, ज्यादा या अधिक शब्द परिमाण को सूचित कर रहे हैं। अविकारी शब्दों में अगला है संबंध बोधक। संबंध बोधक ऐसे शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ आते हैं और वाक्य में उनका संबंध अन्य शब्दों से प्रकट करते हैं। संबंध बोधक शब्द वे शब्द है जो वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम के साथ आते हैं और उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, जैसे बक्से के ऊपर बिल्ली। यहाँ पर चित्र में देख रहे हो ना आप लोग, देखिए बक्से के ऊपर बिल्ली है, बक्से के अंदर बिल्ली है और बक्से के आसपास बिल्ली है, बिल्ली बक्से की तरफ जा रही है। इन वाक्यों को देखने से हमें यह मालूम हो रहा है कि के ऊपर, के अंदर, के आसपास, की तरफ जैसे शब्दों को हम संबंध बोधक कहते हैं। अगला है समुच्चय बोधक। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैं और मेरा दोस्त रोज खेलते हैं। मैं और मेरा दोस्त, यहाँ पर मुझे और मेरे दोस्त को जोड़ने वाला शब्द क्या है? और शब्द है। मैं और मेरा दोस्त रोज खेलते हैं। और उसी प्रकार देखिए, लेकिन खिलौना टूट गया। यहाँ पर दो वाक्यों को मिलाया गया है, मैं और मेरा दोस्त रोज खेलते हैं लेकिन खिलौना टूट गया। खिलौना टूट गया एक वाक्य है, मैं और मेरा दोस्त रोज खेलते हैं एक वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को मिलाने वाला शब्द है लेकिन। तो यहाँ पर हमें यह समझ में आ रहा है कि दो वाक्यों, दो शब्दों और दो वाक्यांशों को जो शब्द जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। और एक उदाहरण में देखिए, तुम सूप लोगे या शरबत। यहाँ पर यह शब्द दोनों वाक्यांशों को जोड़ रहा है, तुम सूप लोगे या शरबत। तो इस तरह से समुच्चय बोधक शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अविकारी शब्दों में अगला और अंतिम है विस्मयादि बोधक। जिन शब्दों के द्वारा विस्मय, भय, हर्ष, क्रोध, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। और उन शब्दों को विस्मय सूचक चिन्ह से सूचित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, आहा अब आएगा मजा। यहाँ पर आहा शब्द जो है वह हर्ष सूचक है। अगला उदाहरण में देखिए, हाय बेचारे का खिलौना टूट गया। यहाँ पर हाय जो है वह शोक सूचक है। उसी प्रकार घृणा सूचक के अंतर्गत हम ले सकते हैं, छी कैसी गंदगी पड़ी है। यहाँ पर छी शब्द जो है वह घृणा सूचक के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार आशीर्वाद, आशीर्वाद के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द भी इस विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं, जैसे दीर्घायुष्मान भवा जैसे शब्द भी विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। बच्चों ये थे शब्द भेद, आशा करती हूँ आपके समझ में आ गए होंगे। आज के परियोजना कार्य में आप इन प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में लिख लीजिए। पहला प्रश्न है सर्वनाम की परिभाषा और इसके भेद लिखिए, सर्वनाम की परिभाषा और इसके भेद लिखिए। दूसरा प्रश्न है संज्ञा क्रिया विशेषण से संबंधित 5-5 शब्द लिखिए। आप अपने पाठ्यपुस्तक को इसके लिए उपयोग कर सकते हैं। पाठ्यपुस्तक के कोई भी पाठ को लीजिए और उसमें से संज्ञा क्रिया और विशेषण संबंधित 5-5 शब्दों की एक तालिका बनाइए।
ठीक है ना बच्चों, इस अवसर प्रदान के लिए मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ। नमस्कार।